लद्दाख हा युनियन टेरिटरी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात इथे बदल जे आहेत ते होताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत. अशातच क्रीडामध्ये देखील अनेक खेळ जे आहेत ते इथे आपल्याला बघायला मिळतात. आर्चरी असेल किंवा आताच पार पडलेली ही कारगिल इंटरनॅशनल मॅरेथॉन असेल, यातनं देखील काही धावपटू हे चांगले तयार होताना आपल्याला बघायला मिळतात. एकूणच ह्याचं भविष्य पुढे काय असेल याच संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत रवींद्र कुमार, जे लद्दाखचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आहे. आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. एबीपी माझा में स्वागत सर आपका. अगर देखा जाए तो आप इस पूरा इलाके के आने वाले भविष्य को कैसे देखते हो? मुझे लगता है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो यहाँ के स्पोर्ट्समैन को होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो बजट है वो लगभग 20 से 30 गुना इसमें बजट बढ़ गया है. और स्पोर्ट्स में जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना, बच्चों की एसोसिएशंस को बनाना और फिर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, तो वो सब के ऊपर काम किया जा रहा है. और स्कूल लेवल में 937 स्कूल्स में कोई ना कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है. सभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिए गए हैं. आइस हॉकी की बात हो, आइस स्कीइंग की बात हो या एथलेटिक्स की बात हो, दोनों डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एथलेटिक ट्रैक बनाए जा रहे हैं. तो इस तरह की काफी एक्टिविटीज हम करने जा रहे हैं जिससे कि लद्दाख में आने वाले टाइम में हमारे स्पोर्ट्समैन को पूरा मौका मिलेगा और स्पोर्ट्समैन देश के में अपना नाम रोशन कर पाएंगे. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कारगिल इंटरनेशनल मैराथन आज हुआ है, तो ये कारगिल इंटरनेशनल मैराथन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप किस तरह इसको देखते हो? आने वाले कुछ दिनों में अगर हम देखा जाए तो रनर्स भी इसमें से तैयार हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या बेस देखते हो आप इसमें? मुझे लगता है मैराथन लद्दाख के हिसाब से एक अच्छा स्पोर्ट्स है, क्योंकि यहाँ के बच्चों में स्टेमिना ज्यादा होता है और हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं, तो बच्चों में एक अच्छा स्कोप है, तो उसको हमें कैश करना चाहिए और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. हमारी जो एथलेटिक एसोसिएशन है वो इसके ऊपर काम कर रही है और हम सब मिलके एथलेटिक ट्रैक का निर्माण हो या बच्चों के ट्रेनिंग का निर्माण हो तो उसके ऊपर काम चल रहा है. और मैराथन हमारे जो आइडेंटिफाइड गेम्स है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम आगे इस मैराथन को भी हम आगे प्रमोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से मैराथन प्लेयर्स को हम बुला सकें. एकूणच जर का बघायचं तर मोठ्या प्रमाणात इथे प्रगतीची दारं जी आहेत ती आपल्याला उघडताना बघायला मिळत आहेत. क्रीडा क्षेत्र असेल, इतर क्षेत्र असेल, यामध्ये देखील हळूहळू का होईना ह्या भागाची प्रगती होताना बघायला मिळत आहे. कॅमेरामॅन अरविंद वार्गेस, अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, कारगिल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.